अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन को दबाएं, आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और साथ में मैं अपनी डेली की रेसिपी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसे हमने आलू, सूजी, दही और ब्रेड के साथ बनाया है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 चम्मच दही ले लिया है, साथ ही में 2 चम्मच हमने सूजी ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से घोल रहे हैं। घोलने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। साथ ही में हमने 2 बड़े आलू ले लिए हैं। फिर हमने इसमें 1 कटा हुआ प्याज और आधी शिमला मिर्च डाल दी है। फिर हमने नमक डाल दिया है और साथ ही में हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं और गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हमें अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, वो भी हाथों की मदद से, ताकि हमारी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने एक ब्रेड का पीस ले लिया है, एक तरफ हमने ये आलू का मटेरियल लगा लिया है जो हमने आलू, प्याज और शिमला मिर्च का जो मटेरियल बनाया है, एक तरफ ब्रेड में हमने ये लगा लिया है। हमें अच्छे से लगाना है ताकि हमारे चारों कोने पे लग जाए और बीच में भी लगे, और वो भी छोटी चम्मच की मदद से। आपको भी उसी तरीके से लगाना है ताकि जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अब इसमें तवे में हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। हमें उसी तरफ से पहले सेकना है जिस तरफ से हमने आलू का मटेरियल लगाया है। ऊपर हम इसमें सूजी और जो दही का हमने घोल बनाया था उसे लगा रहे हैं। तवे में रखने के बाद हमें ऐसे लगाना है। अगर आपकी सूजी और दही का घोल अगर गाढ़ा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। अब हम इसे ढक के रख दिया है, आप चाहे तो किसी प्लेट से भी इसे ढक सकते हैं। अब हमने देखा कि उधर से हमारा सिक चुका है हल्का फुल्का। अब हमने इसको पलट लिया है, साथ ही में हमने थोड़ा सा और देसी घी डाला है कि ताकि हमारी सूजी की तरफ से भी सिक सके। अभी हल्का उधर से भी हल्का फुल्का और दोनों तरफ से सिक चुका है। जब ये हमारा हल्का फुल्का सिक चुके तो हमें हल्के हाथों से इसे दबाते हुए सिकाना है और उल्टा पलटी करनी है ताकि ये दोनों तरफ से एक समान सिक जाए। आप देख सकते हैं कि आलू की तरफ से भी थोड़ा सिक चुका है और सूजी की तरफ से भी हमने अच्छे से सिका लिया है। और आपका जब हल्का फुल्का सिके तो आप हल्की हाथों से इसे दबाते भी चलें ताकि ये और अच्छे से सिक जाए और कुरकुरा हो सके। अलट पलट आपको जरूर करना है ताकि ये एक जैसा सिक सके। देखिए आलू की तरफ से कितनी बढ़िया तरह से सिका है और सूजी की तरफ से भी कितनी बढ़िया तरीके से सिक चुका है। चलिए हम इसकी एक प्लेट लगा लेते हैं। देखिए कितना शानदार हमारा ये नाश्ता बन चुका है, आलू, दही, सूजी और ब्रेड का। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, साथ ही में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।